तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की सहारनपुर यात्रा का मामला गंभीर होता जा रहा है। सहारनपुर प्रशासन ने राहुल गांधी को सहारनपुर आने की अनुमति नहीं दी थी। इस बीच सहारनपुर के शब्बीरपुर पहुंचे कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा कि अगर प्रशासन अनुमति नहीं देता तो फिर राहुल गांधी सहारनपुर आएंगे। इससे पहले सहारनपुर जिले के SSP बबलू कुमार ने कहा कि राहुल को सहारनपुर आने की अनुमति नहीं दी गई है। कुमार को SSP सुभाष चंद्र दुबे की जगह पर लाया गया है, जिन्हें सहारनपुर की जातीय हिंसा और संघर्ष के मद्देनजर 24 मई को निलंबित कर दिया गया था। राहुल का शनिवार को शब्बीरपुर गांव जाने का कार्यक्रम था, जहां 5 मई को दलितों के मकान को आग लगा दी गई थी। कांग्रेस नेता और SC/ST आयोग के अध्यक्ष पीएल पुनिया आज सहारनपुर के जिला अस्पताल पहुंचे। पुनिया ने कहा कि शब्बीरपुर की हिंसा राज्य सरकार और जिला प्रशासन की नाकामी है, जहां हिंसा पीड़ित लोगों को न्याय और मुआवजा मिलना चाहिए। पुनिया ने कहा कि हमने राहुल गांधी के दौरे के लेकर प्रशासन को लिखा और लिखित अनुमति मांगी है, लेकिन जवाब कोई नहीं मिल पाया। बता दें आपको कि पिछले एक महीने से ज़्यादा समय हो चुका है जब यह हिंसा भड़की हुई है। 20 अप्रैल, 5 मई, 9 मई और 23 मई को यहाँ जो घटनाएं घटी हैं उससे इस जिले के शांतिप्रिय माहौल को प्रभावित किया गया है। इस दौरान ऐसा महसूस किया गया कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में कमी रही है, और उसी का नतीजा रहा कि योगी सरकार ने यहाँ प्रशासनिक स्तर पर नई टीम भेजी। अब पूरे मामले की समीक्षा करते हुए इस माहौल को शांत और सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी डेलीगेशन को, किसी भी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर जब तक शांति पूरी तरह बहाल नहीं होती है और पूरी तरह सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है। किसी भी पार्टी का हो, कोई भी लीडर हो, यहाँ शांति व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में यहाँ ये निर्णय हुआ है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। अभी हम लोगों ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रिक्वेस्ट किया है कि जब तक यहाँ की स्थिति पूरी तरह से नॉर्मलाइज नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग विजिट्स को डिस्करेज कर रहे हैं। तो उनको भी हम लोगों ने, जो कांग्रेस की यहाँ ऑफिस है उसको भी बता दिया है कि अभी विजिट ना करें, और इसकी परमिशन अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देगी। मुझे जिलाधिकारी से बात करनी पड़ेगी, लेकिन ये निर्णय पहले से लिया जा चुका है कि जब तक यहाँ की स्थिति पूर्णतया शांतिपूर्ण और सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक बड़े नेताओं को या बाहर से नहीं आने दिया जाएगा, तो उसका पालन कराया जाएगा। हालात सामान्य की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको जो है वो इस पर नजर रखनी पड़ रही है और रखनी पड़ेगी आगे भी।